गुरु जी जैसे जो ब्रह्म ज्ञानी पुरुष है जिसका देह छूट जाता है, फिर वो किसी जन कल्याण के कार्य के लिए पुनः आता है? वो झमेला में आना ही नहीं चाहता, अब आएगा क्या? मान लो किसी के अंदर ये वृत्ति है कि उसको कल्याण करना है, वो तो उसको पाएगा ही कल्याण क्या नहीं। करना है, वो तो है ना, वो परम जो है तो कल्याण कर ही रहा है। अब उसको अलगाव से आने की जरूरत क्या है, वो तो कल्याण का मार्ग शुरू से शुरू हो रहा है, शरीर बदल रहा है, कल्याण में तो वो लगा ही है। वो तो वही है, वो तो कल्याण में लगा ही है, नहीं आने के विचार है, मतलब सब कुछ हो जाने के बाद। नहीं मैंने इसलिए पूछा, जैसे हम लोग शिरडी जाते थे पहले, तो वहां कहते हैं जैसे जो शिरडी वाले साईं बाबा थे वो भी ऐसे संत थे, तो वो अभी भी हैं? मतलब तो मैं वो शिरडी कहते गया हैं था साईं वहां। बाबा जब थे तब बैठे थे समक्ष, नहीं जाने के बाद शिष्य तो बहुत कुछ कहते हैं। और उनके वचन भी हैं 11, उसमें कहा गया है कि मैं तो त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्ति हेतु दौड़ा आऊंगा, ऐसा उनके 11 वचन है उसमें कहा जाता है। असली साईं वो है, वो तो सदा सदा से है, भक्तों के लिए हमेशा आते रहता है, जाते रहता है। वो किस स्तर से बोला उसको भी पकड़ना है, लेकिन आप जो कहना चाहते हैं उसके अनुसार सुन ही लीजिए आप। मुक्ति यानी फ्रीडम, आजादी, निकलने के समय अगर एक भाव कर लिया कि मुझे आना है, एक संकल्प ले लिया, वृत्ति एक ले लिया, तो वो वृत्ति फिर से यहां पे पनप जाएगी। लेकिन वो खतरा कौन मोड़ लेगा? फिर वो भूल जाएगा, तब क्या होगा? ये भी तो हो सकता है, तो फ्रेश एक नए तरीके से आएगा ना, वो वृत्ति ही लेगी, वो तो नहीं आएगा असली में, वो नहीं आएगा, वो तो है ही वृत्ति, वो तो है ही, जगह जगह पे कर ही रहा है, सबके अंदर ही है। वो तो वृत्ति को अंगीकार कर लेगा, वशीभूत नहीं होगा उसका। हाँ, किसी का सहारा ले लेगा। वो तो समग्र चेतना है, समग्र है। ठीक है, तो ये सब आप लोग आगे करते रहना, और कहीं भी ऐसा आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा नाच गान जब भी हो रहा है, शुद्धि के लिए, चित्त की शुद्धि के लिए बैठ जाना, चित्त की शुद्धि के लिए। वो जो बोला ना, जितने मजा आता है, तो मजा भी आ रहा है, तो चित्त को मजा आ रहा है, मैं को मजा आ रहा है, उस मजे में भी उसकी शुद्धिकरण चल रही है, तो इसीलिए ये अक्लिष्ट वृत्ति, ये अच्छे अच्छा ही है। कि मजा ही नहीं आएगा तो फिर उसकी शुद्धिकरण भी तो नहीं होगा, तो ये शुद्धिकरण चलता है। शुद्ध होते रहता है चित्त, तो इन सब चीजों का सहारा लेके आगे चलते रहना। बाकी अपना चेतने के अनुसार और समय के अनुसार घटित होते चला जाएगा। हम्म।